नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सच्ची कहानी, जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी नींद उड़ जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि अब करना क्या है। कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बहुत महीने पहले भारत में हर कोई खुश हुआ करता था। यहाँ पे टीवी और म्यूजिक का जो वॉल्यूम था वो कम हो चुका था। प्लेग्राउंड में बच्चों ने क्रिकेट, हॉकी और कंचे खेलना बंद कर दिया था। सारे बच्चे एक शरीफ बच्चों की तरह अपने घरों में रहा करते थे, क्योंकि उस टाइम भारत में आया था पबजी। इस पबजी ने मानो जैसे पूरे देश को ही बदल दिया, पूरे देश को एक साथ लाके खड़ा कर दिया। यहाँ पे चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो गोरा हो या वो काला हो, सब लोग एक साथ मिलकर टीम बना के खेला करते थे और जंग पे जाया करते थे। यहाँ लोग अनजाने बन जाते दोस्त, टीम में इकट्ठे होके गोलियां चलाते। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे बच्चों ने मियां खलीफा तक को छोड़ के, सनी लियोनी को छोड़ के पबजी खेलना शुरू कर दिया था। पहले तो माँ बाप बहुत खुश हुए कि शायद हमारे बच्चे सुधर गए, शायद वो कुछ अच्छा करने लगे, लेकिन धीरे धीरे इसका जो प्रभाव है वो बच्चों के अंदर और तेजी से घुसता गया। पबजी का प्रभाव बच्चों के अंदर इतना जा चुका था कि यहाँ पे बच्चे नींद में भी गोलियां चलाते थे, नींद में भी ऊट पटांग बातें करने लगे थे और यहाँ पे नींद में भी उनको कुछ ऐसे सपने आने लगे थे। और धीरे धीरे ये बीमारी पूरे देश में फैलती गई और इस बीमारी ने सबसे पहले शिकार बनाया बच्चों के एग्जाम्स को। यहाँ पे बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट में नंबर्स घटने लगे और जीरोस बढ़ने लगे। मुझ पे हुआ पबजी का भूत सवार, दिन रात बस पबजी ही चलेगी यार। और इस तरीके से देश के हर उन घरों में जहाँ पे बच्चे हुआ करते थे, वहाँ पे आतंक का माहौल छा गया। जैसा कि मानो उनके घर में ही पबजी चालू हो गया हो और उनके माँ बाप बंदूक लेके उनके पीछे भाग रहे हों। लेकिन यहाँ पे बच्चे भी ढीठ निकले और उसके बाद क्या हुआ। मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह, छा गई है मुझ पे आसमान की तरह। पबजी। तो भाई देश में ना ऐसा हाल हो रखा है कि यहाँ पे हर बच्चा ना सीने में आग और मोबाइल में पबजी लेके घूम रहा है। मतलब ऐसा माहौल हो गया है कि चाहे माँ बाप वहाँ पे चप्पलों से पिटाई कर दे या फिर माँ बाप यहाँ पे झाड़ू निकाल ले, बेल्ट निकाल ले, कुछ भी निकाल ले, लेकिन भैया पबजी खेलने से उनको कोई नहीं रोक सकता। आज के टाइम में चाहे एग्जाम हो, चाहे कितना भी ज्यादा प्रेशर हो, बच्चों को सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है पबजी। एक माँ के अंदर दो रूप होते हैं, एक होता है माँ का रूप, दूसरा होता है दुर्गा का रूप। अब यहाँ पे बच्चों के सर से पबजी का भूत उतारने के लिए यहाँ पे माओ ने दुर्गा का रूप लेना शुरू कर दिया है। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। और सबसे पहले जो दुर्गा का रूप लिया वो लिया इन माँ ने। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। मतलब देख रहे हो पबजी की हाइक, देख रहे हो आप, इतनी बात बड़ी हो गई है कि अब ये बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच चुकी है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ। क्या बोला माँ जी आपने, ऑनलाइन गेम? आपको पता है आपने क्या किया आपने? आपने ये शब्द बोल के अपने बेटे से नहीं, जिसको आप साथ में लेके आए हो, जो आपके बगल में बैठा हुआ है, उससे नहीं, आपने देश के हर बेटे से पंगा मोल ले लिया है। ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ओए मम्मी क्या बोल रही हो, ओए मम्मी मम्मी चुप हो जाओ, मम्मी ऐसा मत करो, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उससे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। अब इस सिचुएशन में मोदी जी देश को संभाले या इस पप्पू को संभाले या फिर इस पप्पू को संभाले? राफेल पे हमने 3-4 सवाल पूछे। मतलब मैडम जी आप चाहती हैं कि मोदी जी आपके घर जाएं और आपके बेटे को बोले बेटा बेटा पबजी मत खेलो, पबजी खेलना बुरी बात होती है। ये पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला है क्या? दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा,
मानुष बना के छोड़ा। भाई एक चीज यहाँ पे कहनी होगी कि देश का प्राइम मिनिस्टर अगर हो तो ऐसा हो वरना ना हो, इसके लिए मोदी जी आपको सैल्यूट, दिल से सैल्यूट कि आपको ये पता है कि देश में क्या हो रहा है और आपको ये पता है कि देश के घरों में एक बच्चे के साथ क्या हो रहा है। या तो फ्रंट लाइन वाला होगा। नहीं 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 मोदी जी, मैं बता रहा हूँ ये फ्रंट लाइन वाला नहीं है, ये पबजी वाला है। इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल ये स्नाइपर जैसी हो रही है, बिल्कुल एक कब गोली मार दे आपको बस। हो सकता है कुछ लोग यहाँ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होंगे, लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए। मैं यहाँ बैठा हूँ इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें अगर सिकुड़ देती है। क्या बोला आपने, टेक्नोलॉजी से सिकुड़न? मोदी जी मेरे साथ ये हो चुका है, यकीन करो। एक बार मेरा दोस्त पबजी खेल रहा था अपने रूम में और फिर पता है आपको क्या हुआ? भाई राकेश भाई, भाई किधर हो? तो भाई बिल्कुल यही माहौल हो रखा है पूरे देश में और मुझे लगता है बहुत स्यापा कर लिया मैंने आज की इस वीडियो में। तो अब इस वीडियो को यहाँ पे कर देते हैं खत्म, क्योंकि पबजी के ऊपर अगर बोलते रहे तो मतलब इतनी चीजें हैं कि वीडियो खत्म होगी नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा वीडियो देख के, तो वीडियो को लाइक कर दो। और भाई पबजी बंद होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन जब तक सीने में जान है आप पबजी खेलते रहो। इसके साथ ही इस वीडियो में भाई किसी के साथ मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, बस ये मजाक के लिए वीडियो थी, तो कोई दिल पे मत लेना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को करते हैं खत्म, बाय बाय।